चेहरा दुना रही हूँ और अपना वही आत्मदाह कर रही हूँ, सरकारी ले ले हमारी जमीन को और ये फॉरेस्ट विभाग ही ले ले। अब ये की चाह रहा है मैम, वहां से होते भी हम दर दर भटक रहे हैं। हेलो मैम नमस्कार। जी नमस्ते, मैं अनीता देवी बोल रही हूँ, ग्राम जमुन तहसील तुमाकोट पौड़ी गढ़वा से। मैम जो है मेरा हमारा दुर्गा देवी से ग्राम जमुन तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। किसने बंद किया है? फॉरेस्ट विभाग ने। अब ये तो वही जाने मैम आप क्यों बंद करा है? एक तरफ तो सरकार लोन भी दे रही है हम लोगों को, होम स्टे की परमिशन भी दे रही है, कृषि विभाग से यंत्र भी दे रही है, एक तरफ हमारा रास्ता भी बंद कर रही है। नहीं, उन्होंने रास्ता क्यों बंद किया है, किस वजह से रास्ता? अब ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं ना कि उन्होंने बंद क्यों किया है रास्ता। नहीं तो आप वहाँ के निवासी हैं, आपको तो पता है ऐसे तो कोई भी किसी का रास्ता नहीं बंद करता है। हाँ अगर वो बंद, आप अभी कैसे निकल रही हैं, आपके घर के सामने है वो रास्ता? हाँ हमारे घर तक है मैम रास्ता। तो नहीं तो मतलब उन्होंने फिर आप अभी निकल कैसे रही हैं, या घर के अंदर ही कैद है? कैद है मैम, हम कभी इधर से जा रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं। हमारे गाड़ी का रास्ता है गांव तक, ब्रिटिश जमाने की रोड है हमारी। नहीं तो देखिए अगर उनकी जमीन है तो फिर तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी जमीन से क्या लेना देना मैम, हमको तो अपने रास्ते से मतलब है, जो ब्रिटिश जमाने का रास्ता है, जो हम गांव तक राशो गांव है हमारा। तो जाके फिर पटवारी जी को सूचित करिए, पटवारी भी कुछ नहीं कर रहे सर। मैम शासन कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, कोर्ट ने आठ जून को वो भी कर दिया है उसमें। आठ जून तो कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है उसकी आप जो फोटो खींच के ऑनलाइन वो शिकायत आप पोर्टल पर पहले कर चुके हैं, पहले ऑनलाइन भी की है ना शिकायत? की है मैम पहले भी। हाँ तो ये शिकायत तो बंद हो गई है, तो अब क्या करना होगा मैम? बैंक से आरसी कटी महिला सशक्तिकरण की, बैंक से मैम मेरी आरसी भी कटी है। दोबारा से दर्ज कर दीजिए शिकायत, वो जो कोर्ट का आदेश आया है उसकी फोटो लगा के दोबारा दर्ज कर दीजिए मैडम। 2016 से ही 2016 मैम 2016 से लगातार हम ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बैंक ने मैम मेरे ऊपर हाँ। वो भी कर दिया, केस कर दिया है, मेरे को कभी भी बंद कर सकते हैं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक तरफ सरकार करेगी महिलाओं को आगे लाओ, और एक तरफ हम अपने उसमें हमने वो मिस्टेक खोला था, फॉरेस्ट विभाग ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा मैम? या तो मैं देर दुना रही हूँ मैम और अपने वही वो कर देती हूँ। हेलो बोले जी। हेलो अधिकारी ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, उन सरकार क्लाइंट बहुत बड़ी बात करती है। एक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित कर दिया, हमने पहले पत्र मैम मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री जी को कितनी बार मिलके भी आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने कितनी बार शिकायत कर दी है, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उत्तराखंड में क्या बोला गया है आपको? मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी कुछ वो कह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट विभाग करेगा, फॉरेस्ट विभाग करें कि हम नहीं करेंगे, हम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। वो बाहर ही जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको तो उन्होंने रोड बना के दे रखी है मैम। हम राजस्व गांव वाले हैं, हमारा ऐसे आज का गाँव भी नहीं है, ब्रिटिश कार्यकाल की पुरानी रोड है। या तो मैम मेरे बच्चे भी स्कूल से निकाल, या तो मैं देहरादून आ रही हूँ और अपना वही आत्मदाह कर रही हूँ, सरकारी ले ले हमारी जमीन को और ये फॉरेस्ट विभाग ही ले ले। अब ये की चाह रहा है मैम, उत्तराखंड में हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें हम मूल निवासी होते भी हम दर दर भटक रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंच, मुख्यमंत्री दामी जी से ये
धामी जी तक मेरी बात पहुंचा देना। आप तो बोल रही है कि हम मिल के आ गए, आपने नहीं पहुंचाई बात। मैंने पहुंचा दी लेकिन आप भी पहुंचा देना ना। वन मंत्री भी नहीं सुन रहा, वन मंत्री भी कोई नहीं सुन रहा हमारी इस उत्तराखंड में। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।